नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। साथियों, आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी में संपूर्ण भारत राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य तरीके से आयोजन टीवी चैनलों के माध्यम से भी देख रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देख रहा है। साथियों, आज हम बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा, जहाँ से बाबूजी कल्याण सिंह विधायक रहे हैं और राम मंदिर के नायक के रूप में वो जाने जाते हैं, साथियों इस समय हम खड़े हैं महादेव चौराहे पर। और महादेव चौराहा अपने आप में ही एक स्वरूप देता है कि यहाँ पर लोग भक्तगण हैं श्री राम के। आप डिवाई को देख रहे हैं, किस तरीके से हमारी जो डिवाई है वो सजाई गई है। डिवाई का भव्य रूप आज के दिन आप देख पा रहे हैं और जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि लगभग 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे। और साथियों, बॉलीवुड की हस्तियाँ हो या फिर अन्य कोई भी हस्तियाँ हो, जो बड़े बड़े लोग हैं, भारत देश के अमीर लोग हैं, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। और साथियों, हमारे साथ जनता भी है। ये देखिए, जनता जो है प्रसाद वितरण जगह जगह हो रहा है। एक बाबूजी यहाँ पर रुके हुए हैं, इनसे पूछते हैं राम मंदिर के बारे में। बाबूजी, राम मंदिर बन रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? भाई साहब, हमारे लिए तो बहुत बड़ी सुखमयी खुशी है कि इतना राम मंदिर हमारे लिए देखने को मिल गया। ये हमारा सौभाग्य है जो हमारे राज्य में बन गया। अच्छा, जो आपने कभी कार सेवा की थी, जैसे लोग कार सेवक बनकर गए थे, क्या आपने उस दौर को देखा है? नहीं, वहाँ नहीं, कार सेवक बन के नहीं गए हम। यहीं है, अपनी सेवा भगवान को मानते रहे। अच्छा, हाँ, उनकी तो जैसे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, डिवाई आज सज रही है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सज रही है, भगवान के नाम पर सज रही है। भगवान सजवा रहे हैं, हम कोई सजा नहीं रहे, भगवान ही सजा रहे हैं। वही श्रद्धा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, उनकी प्रेरणा से सारे काम शुरू हो रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है? आज लोग कह रहे हैं दीपावली मनाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? हम दीपावली मना रहे हैं, दीपावली पूज के आए हैं, प्रसाद बांट के आए हैं घर, और फिर रात को दीपक जलाएंगे, दीपक ले गए हैं, तेल भी ले गए हैं, सारे काम व्यवस्था हमारी। तो देखिए, जगह जगह खुशहाली है और राम मंदिर विशेष आयोजन ये है राम मंदिर के लिए कि सभी लोग आज दीपक प्रज्वलित करेंगे। और साथियों, इसी प्रकार से हम जो डिवाई में भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं उनको दिखाएंगे। आप पुलिस व्यवस्था भी देख रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था भी इस समय मौजूद है, व्यवस्थाएं एकदम सुचारू रूप से चालू हैं, कोई घटना ना घटे, कोई दुर्घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था एकदम व्यवस्थित रूप में है। साथियों, इसी प्रकार हम अपनी डिवाई के जितने भी भव्य कार्यक्रम हैं अपने माध्यम से दिखाएंगे, एक संदेश के माध्यम से दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए।